सुबह सुबह जीतू एकदम से मतलब नीचे सरप्राइज से देने के लिए आ गया। कह रहा कि भाई गाड़ी ले ली हमने रेस्टोरेंट के लिए, एक दूसरी गाड़ी भी ले रहे हैं क्रेटा वगैरह, ये वो नवरात्रों में लेंगे, लेकिन अभी रेस्टोरेंट के लिए फिलहाल हमने ये गाड़ी परचेज कर ली है। तो चले गए हैं सब्जी वगैरह लेने के लिए। मैं अपना इतने ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, क्या करें खाली खाली। अब जीतू गया है ओनली एक आलू लेने के लिए, ठीक है, मतलब एक नहीं 3-4 किलो आलू लेने के लिए पूरी मंडी में। अब उसने कम से कम 15-20 मिनट खा लिए हमारे, अब तक बार्गेनिंग करने बैठ गया होगा वहाँ पे और टाइम लगा रहा बहुत ज़्यादा। अब हमें और काम है, भैया को अपना कैंटीन देखना वहाँ जाके ये परेशान हो रहे हैं कि अभी टाइम बचेगा तो कुछ और सामान भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन जीतू आए तब फोन कर रहे हैं, हाँ आगे आगे, लेकिन देख नहीं रहा दूर दूर तक। अब देखो पूरी बारात का सामान लेके आता है या फिर अकेले घर भी आलू ही लेके आता है। अभी तक तो कहीं देख ना रहा हूँ ना, देखो आगो 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 और आलू लेने भेजा और दही की कट्टी, वो दही का डब्बा लेके आ रहा है 5 किलो का। चलो भाई हमारी सेहत का भी ख्याल रखता है बेचारा, अनार ला रहा है हमारे लिए ताकि हम खा लें। आओ प्यारे आओ, ये बताओ अनार। अरे वाह इतना प्यार भाई का मार दिए, आप आलू के बदले दही क्यों लाए हो? मिल ही ना रहे थे तीस मिल रही ना करे ऐसे ही मिलेंगे। दही है ना अगर ऐसा ही ना आगे देखो बाघ मार के दो में तू घर चला रहा है दो अपने एक्स्ट्रा है चीज पेटीज कहाँ है? अरे वाह चीज पेटीज भी ले आया, मतलब लाया तो बहुत होता है, इसे टाइम की अहमियत नहीं है, सही है बार्गेनिंग करके सस्ता ले गया, 2 रुपये बचा। अब दुकानदार बन गया ना इसलिए, पहले नहीं बचाता था 1 रुपये भी, पहले तो जहाँ 100 खर्च हो रहे वहाँ 500 करेगा ना चलन दे, लेकिन अब 2-2 रुपये की बार्गेनिंग। ये होती है दुकानदारी, जिम्मेदारी आ गई है वहाँ भाई पे हमारी जिम्मेदारी। अब ले रहे हैं चेयर, सेठ जी पैसे गिनते हैं हमारे। ओ बेटे चुप, जेब भारी होगी। मैं जा रहा हूँ, हम टम्पू से आए हैं, मैं जा रहा हूँ मनाली। ओ भाई अरे जेब गर्म कर लिया, मनाली मनाली से पहले ब्रेक ही ना लगेगी। सही कह रहे हो यार, पैसों का आदान प्रदान, ये एक्सचेंज मनी। हमें भी दे दे कोई गरीब को, लेनी है भाई निकाल दे बेचारा, तो छत पे चढ़ा दिया इन्होंने, अब यहाँ बार्गेनिंग कर रहे हैं। ये जेब खाली, मनाली से पहले ही रुक गए, पलवल में स्टॉप हो गए इनका। तो सामान लेके अब आगे हैं मार्केट में, कैंप मार्केट है, और अब यहाँ से लेने हैं कुछ मतलब मोमोज वगैरह, फिर उसके बाद जाते हैं घर। मतलब हमारा नाम भी ना हो अपनी दुकान के, ना अपनी दुकान की नाम ले रहे हैं, हमारी कैंटीन है सकुर में उसका कोई नाम नहीं है भाई, वो हमारी इनकम नहीं है ना, हमें कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज से, बेनिफिट है ही नहीं। हर चीज बेनिफिट के लिए होती है क्या? और क्या? अच्छा बहुत बढ़िया।
ये है फिलहाल और देखिए कितने बड़े से वो लेगा चार देखिए कितने बड़े 5 रुपए में डॉलर ये उतार दो कितने सारे महेश भैया तो मतलब बढ़िया कमा रहे हैं डॉलर डॉलर में फिर पैसे भी डॉलरों में ही आएंगे आपके मेरे दुकान पे चल गया फाड़ा फोड़ी यहीं खाएगा ये पेटी इसे लग गया भूख मगर भूख लग गई भूख खाओ बच्चा खाओ ही सोच भूखे मैं खाऊंगा बाद में ये लग गया यहीं पे ही इसे कहते हैं टैलेंट जब भूख लगती है ना तो सूखी रोटी भी चबा जाता है इंसान वो वाली हालत होगी इसकी भाई हम इसकी टेस्ट ड्राइव दे रहे हैं बाकी बहुत बढ़िया जिस हिसाब से इससे उम्मीद थी उससे ज्यादा ही बढ़िया है यार सीधी रोड पे तो हर कोई मतलब टेस्ट लेता है गाड़ियों का टफ रोड में लो जब भी पता पड़ती है बाकी चलाने में बहुत स्मूथ है और हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है भाई तेज छूटते ही भागती है कुत्तों की तरह बिल्कुल ही कालू छू कर देगा नुकेरा जी तू नुकेरा कालू छू कर देगा सही है भाई आज तो इसकी टेस्ट ड्राइव बढ़िया हो रही है ऑफ रोड पे वेलकम बैक गाइस और आज हम लगा रहे हैं टन टन सिपक गए हो प्यार हो गया है कैम से ओ बेटे चाप चिपक गई है इसकी अब ये आज हम बना रहे हैं चाप अफगानी चाप एंड हरियाली चाप ये पालक से बनाई है पालक वगैरह पीस के पूरी रेसिपी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग कॉपी कर लोगे तो सारे सेप बन जाओगे और ये है आपकी तंदूरी ठीक है हरियाली तंदूरी एंड अफगानी तो आज इतनी तरह के चाप बेच रहे हैं क्योंकि हमें डेली डेली डांट मिल रही है हम मतलब एक दो महीने एक डेढ़ महीने हो गया हमें खोले हुए कभी कौन सी बिक्री कभी कौन से रहे तो हम कन्फ्यूज हुए कोई कहता यहाँ के दो कोई कहता वहाँ के दो सब छोड़ छाड़ के सब मोह माया त्याग के अब हमने अपनी ही रेसिपी बना ली है लोग अब खाओ वैरायटी की कोई दिक्कत नहीं है दुनिया भर की मिलेंगी पैसा ठोक के लियो भैया जेब में जेब बोझा भर के लियो आ जियो हवेली पे तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद तो दोस्तों अब जा रहे हैं सोने के लिए दिन भर थक हार के काम वाम कर करके जीतू भाई हमारा पानी पीते हुए तो यार बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया आदत नहीं काम करने की और एकदम से इतना मजदूर वाला मतलब एकदम से इतना काम का प्रेशर पड़ जाता है ना तो होता ही है पहले इतना कुछ नहीं था पहले तो अपना घूमो फिरो और चलते बनो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए राम राम गुड नाइट टेक केयर गार्नियर